2023 की एमपी बोर्ड परीक्षाएं किसी मजाक से कम नहीं हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं और बकायदा किसी सेल की तरह 299 रुपए में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद उपलब्ध हो रहे हैं। लगभग हर पेपर पर लीक होने का दाग लगा है। शनिवार 18 मार्च को पुलिस ने छापामारी करते हुए दो अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानपुर से हैं और 1 बीकॉम थर्ड ईयर का छात्र है जो रायसेन से है। विद्यासागर स्कूल से गिरफ्तार दो शिक्षकों ने बताया कि वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और कोचिंग के बच्चों के अच्छे अंकों के लिए उन्होंने परीक्षा से पहले पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया ताकि बच्चों के अच्छे अंक आएं और उनकी कोचिंग प्रसिद्ध हो जाए। वहीं मंडीदीप से गिरफ्तार रायसेन निवासी कौशिक दुबे ने प्राथमिक पूछताछ पर बताया कि उसने टेलीग्राम पर पेपर 600 से 1000 रुपए में बेचा और लगभग 3.5 लाख रुपए विद्यार्थियों से ऐंठ लिए। उसके पास से एक बैंक पासबुक, मोबाइल व 2 सिम कार्ड बरामद हुए। साथ ही अब तक कुल 19 शिक्षकों को घोर लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया जा चुका है तथा उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। पुलिस कुछ और आरोपियों की तलाश कर रही है। लीक हुए पेपर की दोबारा परीक्षा होने के सवाल पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हम परीक्षण कर रहे हैं और दोबारा परीक्षा करने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं बनी है। ताजा जानकारी के अनुसार दोबारा परीक्षा होने की संभावना नहीं है।